और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बीजेपी ने कल 12 घंटे का उत्तर बंगाल बंद करने का ऐलान किया है। बीजेपी ने यह ऐलान सिलीगुड़ी में एक कार्यकर्ता की मौत के बाद किया है। आज सिलीगुड़ी में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार की थी। आरोप है कि पुलिस से झड़प में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत की खबर है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और साथ ही उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। झड़प के दौरान सौमित्रा खान को चोट लगने की भी खबर है। कानून, भ्रष्टाचार और इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे पश्चिम बंगाल की शाखा ने उत्तर बंगाल में भाई तेजस्वी और सुमित्र खान के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया, किंतु ममता जी की सरकार ने जिस प्रकार अराजकता और गुंडागिर्दी देखी गई, निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या है। एक शांतिपूर्ण जुलूस जिसमें महिला कार्यकर्ता भी हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकना, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने बम फेंके और इस प्रकार अराजकता फैलाई। और सिलीगुड़ी की घटना के बाद जो अहम खबर आ रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत की खबर है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और साथ ही उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। झड़प के दौरान सौमित्र खान को चोट लगने की खबर है। ममता बनर्जी की पुलिस और टीएमसी के गुंडे साथ मिलकर इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के विरुद्ध टियर गैस शेल्स, कंट्री बॉम्ब और लाठी चार्ज किया है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता घायल हुआ है। ये हर दिन, हर रोज बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब तक इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे, यही युवा मोर्चा के संकल्प है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। और इधर प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प के लिए टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीजेपी का लोग जो चाहते हैं कि बंगाल में दंगा फसाद करो, गुंडाई करो, और ये वो लोग साबित कर देते हैं कि बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम हिंसा छोड़कर कुछ नहीं है। पुलिस ने एनकाउंटर नहीं, बड़ी शांति से जनता की देखभाल के लिए परिस्थिति को मुकाबला किया। अगर वो लोग ऐसा करते रहेंगे तो अगर तृणमूल लोग रास्ते पे उतर जाए तो इसका जिम्मेदारी उसका होगा।